गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों कल के जो हमने लास्ट लेक्चर जो दिया था डी एंड एफ ब्लॉक का, उसमें डिस्कस करा था लेंथेनोइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर कलर, फिर वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये चार पॉइंट डिस्कस करे थे। सेम प्रॉपर्टीज एक्टिनोइड्स की होंगी, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी बहुत डिफरेंट है, अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। अब देखो, पहली बात तो एक्टिनोइड्स होते क्या है, 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनम। एक्टिनम जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, इसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनोइड्स बोले जाते हैं, और इन सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 5F में, इसलिए इनको हम बोलते हैं 5F सीरीज एलिमेंट्स। अब हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना शुरू करें, फिर मैं अफबाउ प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा एक रफ पेज पे। डायरेक्ट आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको बना के दिखा रहा हूं, जिससे कि आपकी भी हैबिट आए इसको बनाने की। इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे पहले 1s में, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, फिर ये 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d। हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं पहले 86, रेडॉन जो इनर्ट गैस है पहले हम वहाँ तक आएंगे। 86 कैसे भरे जाएंगे, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14 and 10, यहाँ तक हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन 86। आप ये कैलकुलेट करके देख लेना, 86 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन यानी 87th एंड 88th इलेक्ट्रॉन जाएगा 7s में, जो कि मैंने भर दिया। अब हमारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 88। 89th इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल एंटर करेगा 5f में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5f में ना जाके वो इलेक्ट्रॉन गया 6d में, इसीलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाता है। अब जब थोरियम में आएंगे एटॉमिक नंबर 90 में, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, वो भी गया इस डी में, एफ में नहीं गया, इसलिए जो हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था डी ब्लॉक का, वो n-1d में मैंने लिखा था 0 से लेके 2, क्योंकि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। नेक्स्ट केस में यहां से भी डी से एक इलेक्ट्रॉन आ गया 4f में, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी 4f में 2 और इसमें 1, फिर नेक्स्ट वाला इसी में गया, फिर नेक्स्ट वाला इसमें गया, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स में ये डेविएशन दिखाई देगा स्टार्टिंग वाले 5 में। नेक्स्ट केस में ये इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर हो जाएंगे 6, फिर ये हो गए 7, फिर ये होना चाहिए था 8, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि F7 हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ हो गया 1, ये तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आया, और बाकी 1, 2, 3, 4, 5 इन एलिमेंट्स में अफबाउ प्रिंसिपल डेविएट हो रहा है। नेक्स्ट केस में ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गया, तो 9, फिर ये 10, 11, 12, 13, 14, बाकी सब जगह अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
एक्टिनॉइड्स। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होंगी। कैसे सेम होंगी? जैसे आपने देखा होगा वहां पे कलर्ड थे लैंथेनॉइड्स ड्यू टू FF ट्रांजिशन, ऐसे ही एक्टिनॉइड्स भी कलर्ड होंगे ड्यू टू FF ट्रांजिशन। वो पैरामैग्नेटिक थे लैंथेनॉइड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन F ऑर्बिटल्स, ये भी पैरामैग्नेटिक होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन F ऑर्बिटल्स। वो थे वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे, लेकिन वहां पर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो CE की थी प्लस 4। ये प्लस 7 तक, यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड से हायर भी होती हैं। प्लस 3 तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स की भी है और एक्टिनॉइड्स की, वो मैक्सिमम शो करेंगे प्लस 4, ये मैक्सिमम शो करेंगे प्लस 7 तक। तो ये हो गया एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बाकी अगर प्रॉपर्टीज लिखने को आ जाएं तो जो हमने वहाँ लैंथेनॉइड्स में बाकी जो 3 प्रॉपर्टी लिखी थी बिल्कुल सेम होंगी। इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इस फार्मूले से कैलकुलेट नहीं होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट जैसे लैंथेनॉइड्स का इस फार्मूले से कैलकुलेट नहीं हो रहा था, इनका भी नहीं होगा। किससे होगा कैलकुलेट, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हो गया हमारा एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ये। अब बात आती है बच्चों, एक लास्ट इसमें टॉपिक बचा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट मींस साइज कम होना, सिकुड़ना। डी ब्लॉक में हमने देखा था पहले साइज कम हुआ था फिर बढ़ गया था ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। यहां पर देखो ऐसा नहीं होगा, यहां पर एटॉमिक स्टेट में भी साइज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज होगा और आयनिक स्टेट में, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 होती है, आयनिक स्टेट में भी साइज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीजेस क्यों डिक्रीज होगा, यहां पर शील्डिंग इफेक्ट क्यों नहीं होगा, ये हमको समझना है। मान लो ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड, 3, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लैंथेनॉइड्स में बाहर वाली सेल 6 होती है, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 4f होगी, यहां 5d होगी, इस टाइप से होंगी। जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो एंटर कर रहा है इस वाली सेल में f में, और f यानी n-2 में, ये है n-1 और ये है n। इलेक्ट्रॉन जो भी नेक्स्ट आ रहा है वो इनर सेल में आ रहा है, यानी थर्ड लास्ट में आ रहा है। अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड लास्ट में आता जैसा कि डी ब्लॉक में हो रहा था तो ये इलेक्ट्रॉन इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो थर्ड लास्ट वाली सेल में कर रहा है और थर्ड लास्ट वाली सेल बाहर वाली सेल से बहुत अंदर है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कम कर पाएंगे, यानी बहुत कम, लगभग नेग्लिजिबल, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया कूलम्स फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो जस्ट उसके बाद वाली सेल में नहीं आ रहा है, उसके भी बाद वाली में आ रहा है, यानी सेकेंड लास्ट में एंटर ना करके थर्ड लास्ट में एंटर कर रहा है। एफ ब्लॉक की डेफिनेशन यही थी कि एन माइनस टू में आएगा, एन माइनस टू का मतलब थर्ड लास्ट। तो इनर सेल में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो इनर सेल न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीनिंग, न्यूक्लियर चार्ज की स्क्रीनिंग यानी शील्डिंग नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो बाहर वाली सेल के बहुत अंदर हैं। इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से कॉन्टिन्यूअसली साइज डिक्रीज होगा। दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
एटॉमिक स्टेट में भी यही होगा, आयनिक स्टेट में भी यही होगा। तो इसको हम बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ा, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या फर्क पड़ा, कैसे हम उस चीज को अप्लाई करेंगे, उसको कहां कहां अप्लाई करेंगे। तो पहला है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का मतलब यह होगा जैसे जैसे साइज कम होगा लेफ्ट से राइट जाने पर, ये Lu+3 और ये Na+3 ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा ये वाला, और ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा ये। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इस छोटे आयन में से हाइड्रोक्साइड आयन का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये बड़ा है यहां से हाइड्रोक्साइड का रिमूवल आसान हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है और यहां पर न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है, तो यहां से हाइड्रोक्साइड के रिमूव होने के चांसेस ज्यादा होंगे और यहां से कम, यहां से हाइड्रोक्साइड कम निकलेगा और यहां से हाइड्रोक्साइड ज्यादा निकलेगा। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही ये वाली प्रॉपर्टी डेवलप हुई कि लेफ्ट से राइट आने पर हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ कम हुई। नेक्स्ट जो इसका आएगा दूसरा एप्लीकेशन, अब जब इनके साइज डिफरेंट है, डी ब्लॉक के साइज तो ऑलमोस्ट सेम थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम थी, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, ये यहां पर साइज डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी क्योंकि जनरली जो प्रॉपर्टीज है वो साइज पे ही डिपेंड करती हैं। अब जब इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई तो लेंथेनोइड्स का सेपरेशन आसान हो गया, अगर सबकी प्रॉपर्टी सेम होती तो इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता, लेकिन जब इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से इनका सेपरेशन इजी हो गया, आसान हो गया। जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते आसानी से, जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उनको आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। तो एक तो ये हुआ कि हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट जाने पर कम हुई, दूसरा ये हुआ कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से लेंथेनोइड्स का सेपरेशन आसान हो गया, ये हो गई। अब एक आएगी थर्ड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, वो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस है थर्ड, सिमिलैरिटीज बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है 3D, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज होती है 4D और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है 5D। अब किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, और किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज कम होता है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इधर से इधर गए देखो रेडियस कम हुई, ये भी रेडियस कम हुई, समझ में भी आ गया, इधर से इधर गए रेडियस कम हुई, ये भी रेडियस कम हुई, ऊपर से नीचे आए नॉर्मली ग्रुप 3 की बात कर रहे हैं, स्कैंडियम से इटरनियम तक जब आए तो साइज बढ़ा, इटरनियम से लेंथनम तक आए तो साइज फिर से बढ़ गया, ठीक। यहां पे ग्रुप 4 में टाइटेनियम से जिरकोनियम तक आए साइज बढ़ा, फिर हाफनियम तक आए तो साइज नहीं बढ़ा बल्कि हल्का सा कम हो गया, इसको हम कम नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि इन दोनों का साइज इक्वल है, आगे जाके इन दोनों का भी इक्वल है, और नेक्स्ट जो भी एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट उन सबका साइज आपस में सेम रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, जितना यहां से यहां आने पर बढ़ता साइज, सपोज कर लो 20% साइज बढ़ता, उतना साइज कम हो गया जब हम गए 58 से 71 तक, यानी लेंथेनोइड्स में जैसे ही हम मूव करें लेफ्ट टू राइट
तो साइज कम हुआ होगा, क्योंकि 57 के बाद यहां पे 58 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट नहीं है, 14 एलिमेंट गैप करने के बाद 72 वाला आया। तो जितना यहां से यहां आने पे साइज बड़ा समझ में भी आ गया, क्योंकि कोई गैप नहीं था, लेकिन यहां से यहां आने पर जितना साइज बढ़ता, मान लो 20% बढ़ता, तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से वो 20% क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए इनका, इसका और आगे वाले जो भी एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट अभी और आएंगे, उन 9 एलिमेंट्स का सबका साइज क्या है, सेम, यानी 4D और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन, जिस वजह से इन सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। या कह सकते हो 4D को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और 5D को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन। क्वेश्चन आता है, जिरकोनियम एंड हाफनियम एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, वाई, ऐसा क्यों होता है? तो आप कहोगे ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन, देयर साइज आर ऑलमोस्ट सेम, हेंस दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज इसलिए सिमिलर होंगी क्योंकि इनका साइज सेम है, और साइज सेम क्यों है, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन। तो ये तीन कॉन्सिक्वेंसेस थे लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन के। लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, उसका क्या रीजन होता है, तो रीजन में वो ही लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो इनर सेल्स में कर रहा है, और इनर सेल्स बाहर वाली सेल और न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन बहुत कम कर पाती हैं, क्योंकि इनर सेल का डिस्टेंस बाहर वाली सेल से बहुत ज़्यादा है। ठीक, फिर इसके हमने तीन कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े। पहला था बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, दूसरा था सेपरेशन ऑफ लेंथेनोइड्स, और तीसरा था सिमिलैरिटीज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब इसमें एक छोटा सा हेडिंग है, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स में डिफरेंस क्या है, पहला इनकी बाइंडिंग एनर्जी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है और इनकी क्या होती है, लो। बाइंडिंग एनर्जी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लास्ट में जो यूनिट है रेडियो एक्टिविटी, उसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को, यानी न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों को जो एनर्जी उस छोटी सी जगह में आपस में रोके रखती है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स आपस में रुके होते हैं जिस एनर्जी से, उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। लेंथेनोइड्स की बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है, एक्टिनोइड्स की लो होती है। इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और ये हायर +4, +5, +6, +7 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं, यानी लेंथेनोइड्स मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और वो भी कौन, CE, यही खाली शो करता है +4, जबकि एक्टिनोइड्स शो करते हैं +7 तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर लेंथेनोइड्स में सिर्फ एक ही PM एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है, जबकि ऑल द एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, सारे के सारे एक्टिनोइड रेडियो एक्टिव है, जबकि लेंथेनोइड्स में खाली PM ही रेडियो एक्टिव होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे। ये ऑक्सो कैटायन नहीं बनाते हैं, और ये बनाते हैं ऑक्सो कैटायन मींस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके पॉजिटिव आयन, UO, यूरेनियम है, UO2, PuO2, इस टाइप से। यानी लेंथेनोइड्स ऑक्सो कैटायन नहीं बनाते हैं, एक्टिनोइड्स ऑक्सो कैटायन बनाते हैं। लेंथेनोइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लो होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लो, और इनकी हाई होती है।
ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये थर्ड और ये फोर्थ डिफरेंस हो गया। इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो लेस बेसिक हैं और इसके मोर बेसिक होते हैं। इसका रीजन ये भी कह सकते हो कि इनका साइज छोटा है और इनका साइज बड़ा है, तो यहाँ से हाइड्रोक्साइड जल्दी निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन जल्दी रिमूव नहीं होगा। यानी लेंथेनोइड्स हाइड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक वाइल एक्टिनोइड्स हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक। ये तो कुछ थी इनके अंदर डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। अब बात आती है कि इसमें सिमिलैरिटीज क्या हैं। सिमिलैरिटीज में पहला तो ये है कि दोनों सीरीज की, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स, दोनों की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होती है। यानी कोई भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो एफ ब्लॉक में तो लेंथेनोइड्स भी आ गए और एक्टिनोइड्स, यानी मोस्ट ऑफ द लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स एग्जिबिट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहली सिमिलैरिटी हो गई कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ सीरीज इज प्लस थ्री। नेक्स्ट, दोनों में इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो एन माइनस टू एफ ऑर्बिटल्स में कर रहा है, थर्ड लास्ट की एफ में आ रहा है। ये दोनों में सिमिलैरिटी है। जैसे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है सिमिलरली वैसे ही एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। देयर इज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन सिमिलर टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एक तो ये सिमिलरिटी हो गई। नेक्स्ट, जैसे लेंथेनोइड्स कलर्ड थे ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन, सिमिलरली एक्टिनोइड्स भी कलर्ड होंगे ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन। नेक्स्ट, लेंथेनोइड्स जो थे वो पैरामैग्नेटिक थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही एक्टिनोइड्स भी पैरामैग्नेटिक होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोनों सीरीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। तो पहला तो हो गया जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री। नेक्स्ट हो जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इसमें, थर्ड, बोथ आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, बोथ आर फॉर्म्ड कलर्ड आयंस। नेक्स्ट, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। सिक्स, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है सिमिलर टू एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई सिमिलैरिटीज। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे डिफरेंसेस। अब इस चैप्टर में आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको दो कंपाउंड और दिखाई देंगे डी ब्लॉक के, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 और K2Cr2O7, जो इस साल के लिए CBSE बोर्ड से हटा दिए गए हैं। तो हमको इस साल के लिए बोर्ड पैटर्न में इतना ही पढ़ना है। कंपटीशन में KMnO4 और K2Cr2O7 भी आएगा, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी ये बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं सितंबर में, पहले उसको हम लोग कवर कर लें। उसके बाद बहुत टाइम है, हमारी फर्स्ट बुक खत्म हो गई, आज हमारी फर्स्ट बुक बिल्कुल फिनिश हो गई, यानी हम 50% से ज़्यादा सिलेबस कर चुके हैं। सेकेंड बुक में ऑलरेडी हमारे दो चैप्टर कट हो गए हैं इस साल के लिए, एक तो पॉलीमर और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें स्पेशली अब हमको 5 चैप्टर पढ़ने हैं जो कि बहुत आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारी कल से स्टार्ट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कुछ टॉपिक हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।